press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने ये ग्लास टेस्ट कटिंग की है। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मार्बल फ्लोरिंग डिज़ाइन इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसी मशीन की आज अनबॉक्सिंग करेंगे जो आपने वो मशीन अब तक कहीं नहीं देखी होगी। हमारे पास में जो मशीन है दोस्तों वो टाइल काटने की मशीन है, जो विट्रीफाइड टाइल्स है और ग्लास टाइल्स है, तो उसको सभी को टाइल्स को वो मशीन काटती है। तो अभी मार्केट के अंदर काफ़ी सारी मशीनें चल चुकी है जो आपने भी अब तक देखी होगी मशीनें, जिसको बोलते हैं टाइल कटर मशीन, लेज़र कट मशीन। तो दोस्तों हमारे पास में जो मशीन है वो सबसे अलग मशीन है, तो हम आज इस वीडियो के अंदर आज उसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि हमारे पास में जो टाइल्स है, हम उससे जो मशीन से जो टाइल्स कटिंग करेंगे, तो हमारे पास में कौन कौन सी टाइल्स है दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास में टाइल्स है ये विट्रीफाइड टाइल्स है। आप देख सकते हैं पीछे से इसको, ये विट्रीफाइड टाइल्स है, तो इसकी हम मशीन से कटिंग करेंगे। और दूसरी जो टाइल्स है हमारे पास में ये ग्लास टाइल्स है, आप देख सकते हैं ये ग्लास टाइल्स है, आप पीछे से भी देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों हम जो मशीन की आज ओपनिंग करेंगे और उस मशीन से हम आपको ग्लास टाइल्स और विट्रीफाइड टाइल्स काट के दिखाएंगे। और दोस्तों साथ में उस मशीन से आप कांच की भी कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मशीन जब पहले हम मशीन को अगर ओपनिंग करें, तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ में घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं। घंटे के निशान को दबाएंगे दोस्तों तभी आप हमारे जो नए वीडियो आएंगे वो आप उन वीडियो को भी देख पाएंगे। और साथ में वीडियो पसंद आने पर लाइक करना और अपने दोस्तों में आगे शेयर करना। तो चलो हम शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग करना। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास में ये डिब्बा है, तो इसके अंदर ये मशीन है, तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। जो ग्लास टाइल्स और विट्रीफाइड टाइल्स काटने की ये मशीन है, तो इसका जो नाम है दोस्तों ग्लास टाइल्स ओपनर ये मशीन है। तो इसको हम खोलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मशीन है, तो ये जो मशीन है इसकी ये ब्लेड है जो टाइल्स को कटिंग करती है। तो आप देख सकते हैं इस ब्लेड को दोस्तों, बहुत ही छोटी सी ये मशीन है, आप इसको हाथ के अंदर ले सकते हैं और इसको आप कहीं पर भी बैग के अंदर आपके डाल के और आप अपनी साइड के ऊपर भी ले जा सकते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इससे हम जब टाइल्स के अंदर इस ब्लेड से जब स्क्रेच लगाएंगे तो फिर इसके अंदर हम डाल के टाइल्स को कटिंग करेंगे। अब दोस्तों इसके साथ में ब्लेड भी आते हैं, आप देख सकते हैं ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड ख़त्म होने के बाद में आप इसका ब्लेड चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर तकरीबन दो ब्लेड है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं, ये इसकी चाबी है जो आप इसको लगा के और इसको खोल सकते हैं और इसको लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये इसकी चाबी है और ये दो ब्लेड है और इसके साथ में एक इंची टेप भी है, आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक इंची टेप है इसके साथ में। तो चलो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि ये जो मशीन है इससे टाइल्स कैसे कटिंग होती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मशीन है, आप इस मशीन को मंगवा सकते हैं, आप कहीं पर भी हैं तो आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो ये इस मशीन को मंगाने के लिए मैं अपने वीडियो के नीचे उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप इस वेबसाइट पे जाके और एक बार उसको क्लिक करके और खोल के ज़रूर देखना दोस्तों। अगर आपको सामान मंगवाना हो तब भी आप खोल के देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं मंगवाना है दोस्तों सामान, तो भी आप उसको एक बार खोल के ज़रूर देखें उस वेबसाइट को। तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप ज़रूर उसको देखना। तो चलो हम आपको दिखाते हैं टाइल्स कैसे कटिंग होती है। तो दोस्तों हमारे पास में ये टाइल्स है जो विट्रीफाइड टाइल्स हैं, हमने आपको बताई है, तो इसकी हम कटिंग करेंगे इस मशीन से। तो ये जो मशीन है दोस्तों, इससे आपको हाथ से कपड़ के ही कटिंग करनी है। तो आप इसके सहारे से, किसी के भी सहारे से आप इसको चला सकते हैं। तो हमारे पास में ये लकड़ी की एक चीप है और इससे हम, इसके सहारे से हम इसके अंदर स्क्रेच लगाएंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस मशीन को हाथ में कपड़ना है दोस्तों, ज़्यादा दाब नहीं लगाना आपको, कम दाब के अंदर भी आपकी ये कटिंग हो जाएगी। तो हम इससे स्क्रेच लगाएंगे।
अब दोस्तों इसके अंदर स्क्रैच लग चुका है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारे पास में है टाइल्स को तोड़ने के लिए है, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे स्क्रैच है, आपको इससे पॉइंट को मिलाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये टाइल्स जो कटिंग हुई है बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है। इसकी कटिंग भी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सीधी कटिंग है। तो आपको भी इसी तरह ये विट्रीफाइड टाइल्स है जो हमने कटिंग की है दोस्तों। तो इससे हम एक बार और काट के देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फिर से कटिंग हमने कर दी है, तो इसके अंदर तकरीबन 1 इंच की भी आप निकाल सकते हैं। तो ये थी विट्रीफाइड टाइल्स जो हमने कटिंग की है दोस्तों। अब हम आपको विट्रीफाइड टाइल्स हमने कटिंग करके दिखाई है आपको, अब हम करेंगे ग्लास टाइल्स की कटिंग। आप देख सकते हैं ये ग्लास टाइल्स है हमारे पास में, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे कि ग्लास टाइल्स कैसे कटिंग होती है इस मशीन से। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में आगे शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में घंटे के निशान को भी ज़रूर दबाना। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो ग्लास टाइल है इसके अंदर भी हम स्क्रैच लगाते हैं और फिर इसके भी देखते हैं कटिंग करके। ये थोड़ी हमारे पास में जो लकड़ी की ये चीप है दोस्तों, इसमें थोड़ी बैंड है, इसी कारण थोड़े कपड़ने में दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों इसके अंदर भी हमने स्क्रैच लगाया है, अब इसकी भी हम कटिंग करके देखते हैं कि ग्लास टाइल्स कैसे कटिंग होती है। दोस्तों ग्लास टाइल्स बहुत ही आसानी से कटिंग होती है इस मशीन से, आप विट्रीफाइड टाइल्स भी काट सकते हैं और ग्लास टाइल्स भी काट सकते हैं। तो हम फिर से एक बार और इसको कटिंग करके देखेंगे, तकरीबन 1 इंच की भी निकलती है क्या इसके अंदर से, आप इससे बारीक भी कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने ये ग्लास टाइल्स कटिंग की है और हमने ये विट्रीफाइड टाइल्स कटिंग की है। तो इससे ग्लास टाइल्स विट्रीफाइड टाइल्स भी कट सकती है, और उसके बाद में हम आपको एक इससे कांच की भी कटिंग करके दिखाएंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमारे पास में ये कांच है, तो हम अब इसकी भी कटिंग करेंगे इससे। दोस्तों आप इससे डिज़ाइनिंग के अंदर भी कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों इससे ये
हमने कांच भी कटिंग की है, तो आप इसी प्रकार से इसको टाइल्स को भी कटिंग कर सकते हैं। तो टाइल्स भी कटिंग होती है इससे और कांच भी कटिंग होता है। तो विक्टरफाइब टाइल्स हो चाहे ग्लेस टाइल्स हो, तो आप इससे भी इस मशीन से कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ये मशीन है। इस मशीन को अगर दोस्तों आप मंगवाना चाहो तो आप भी इसको मंगवा सकते हैं बड़ी आसानी से, आपके ये ऑनलाइन घर पे आएगी। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो के नीचे वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, तो आप उसके ऊपर जाके ज़रूर क्लिक करके देखना। अगर आपको मंगवानी हो या नहीं मंगवानी हो तो फिर भी एक बार आप उस वेबसाइट पर जाएँ और उसको क्लिक करके देखें, तो आप उसको एक बार खोल के ज़रूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में आगे शेयर कर दें। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं। और तो चलो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ और ऐसे ही वीडियो के साथ।